सो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल फूड इज लाइफ। सो गाइज ये हम बनाने जा रहे हैं पहाड़ी नींबू का स्नैक्स। तो आप देख सकते हैं नींबू कितना बड़ा है, ये देखिए। ओके सो इसको बनाने के लिए, इसको ऐसे नहीं खाया जाता है, कुछ स्पेशल तरीके से खाया जाता है। सो इसके लिए देखिए एक चटनी बनाई जाएगी जिसमें इस्तेमाल किया जाएगा गुड़, और ये भांग है, पहाड़ी भांग, देन हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च भी रखी गई है। ओके और ये मलाई है, राइट, दही भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हमने इसमें मलाई का इस्तेमाल किया है। सो मलाई घर में ही हमने जमाई थी, और आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टेस्ट के अकॉर्डिंग है, मलाई आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा एक सकते हैं, जैसे कि बताया गया धनिया। अब इन सब चीज़ों की एक चटनी बनाई जाएगी, और ये नींबू काटा जाएगा और उसमें घोला जाएगा, या आप कह पहाड़ी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो साना जाएगा। उसके बाद ये बन के फिर आप खा सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी लगता है। मेरा तो अभी से ही पानी सा आ रहा है मुंह में सोच के ही। खट्टा मीठा लगता है, खट्टा मीठा काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। सो दिखाते हैं आगे। सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। सो मिक्सी में धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च डाल लें, और जो भांग के दाने हैं उसे अच्छे से भून लें, और इसको भी एक मिक्सचर बना लें चटनी के लिए, जैसे नॉर्मल बनाते हैं। नमक, मिर्च, गुड़ आप डाल दें, और नींबू काट लिया है। सो चटनी आप मिला लें इसमें अच्छे से, और ये क्या मिलाया आपने, ये दही है, मलाई है? हाँ, दही भी डाल सकते हैं, मलाई भी, दही भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं। सो ये आप अच्छे से इसमें मिला लें जो चटनी हमने बनाई थी, और बस ये तैयार होने वाला है। बस यही चीज़ें मिला के, जैसे पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है कि नींबू को सान लें, तो इसे साना जा रहा है एक्चुअल में। सो लीजिए तैयार हो गया हमारा साना हुआ नींबू। सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बना के ज़रूर एक बार ट्राई करें, कैसा लगा बताइए।